महिला मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र शर्मा पे दर्ज किया झूठा मुकदमा, वापस लो को हत्या बंद करो को हत्या। गत 5 मार्च को एक ट्रक गोवंशों से भरा हुआ जा रहा था निवाई बाईपास पर, जिसकी सूचना गुप्त सूत्रों से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई साहब नरेंद्र जी शर्मा को मिली, जिन्होंने पीछा करके अपने गोसेवक साथियों के साथ में ट्रक को रुकवाया। उसमें देखा तो उसमें 70 से 80 गायें भरी हुई थी, जिनको काटने के लिए ले जाया जा रहा था। तो गोसेवकों ने ले जा रहे युवकों को पकड़ कर रखा और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर जिला प्रशासन पहुँचा तो जिलाध्यक्ष नरेंद्र जी शर्मा ने गो तस्करों पर जो गौ माता को काटने के लिए ले जा रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी करवाई। तो समुदाय विशेष के कुछ लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद में एक प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र जी शर्मा पर दबाव बनाने के लिए एवं उनके द्वारा जो लगातार लव जिहाद गोरक्षा जो की जा रही है या लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही है, वो जिले में एक हिंदू शहर की जो उनकी छवि बनी हुई है उसको दबाव में बनाने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए एक प्रकार से समुदाय के विशेष के लोगों द्वारा एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो आज युवा मोर्चा के साथियों द्वारा एवं हिंदू समाज के लोगों द्वारा देवली उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में कहा गया है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है उस मुकदमे को वापस लिया जाए, अन्यथा टोंक जिले में अगर नरेंद्र जी शर्मा पर आंच आती है तो टोंक जिले में जो आंदोलन होगा वो भूतों न भविष्य, न तो पहले कभी ऐसा आंदोलन हुआ न अब ऐसा कोई आंदोलन होगा और उस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसी मांग को लेकर आज युवा मोर्चा के साथियों ने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है।